हेलो इन्फिनाइट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनाइट फाइनेंशियल एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हो जो आप अपने 20s में कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड मैं बता दूं कि ये वीडियो बेस है हमारे एक ब्लॉग पे जो आप हमारे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो एंड उस ब्लॉग पे सारे के सारे मिस्टेक्स शेयर किए गए हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 5 मिस्टेक्स देखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत लोग ये कॉमन मिस्टेक्स है जो करते ही रहते हैं एंड बाद में जाके बचता है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखना है एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ऑफिशियल चैनल है इन्फिनाइट फाइनेंशियल एकेडमी का। सो आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, पहली एंड बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो 20s में लोग करते हैं वो ये है कि वो ज्यादा खर्चा करते हैं, अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा करते हैं। मतलब अगर आप 20,000 कमाते हो तो आप 30,000 या 1,00,000 रुपया खर्चा कर देते हो, क्योंकि क्या 20s के टाइम पे ऐसा लगता है लोगों को कि पैसा आ रहा है, खर्चा करते हैं, मजे करते हैं, और वो इतना ज्यादा खर्चा करते हैं कि उनको लोन लेना पड़ता है वो खर्चे करने के लिए एंड फिर वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। वो क्रेडिट कार्ड का लोन लेते हैं, दोस्तों से उधार लेते हैं, बहुत सारे लोन्स लेते हैं, बैंक से लोन लेंगे, पर्सनल लोन लेंगे एंड इस तरह से वो लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन कीजिए, हमने बहुत वीडियोस में बताया है लेकिन लोग नहीं करते हैं, तो फर्स्ट ये मिस्टेक आप जरूर ठीक कीजिए। आगे बढ़ते हैं एंड दोस्तों, दूसरी मिस्टेक जो लोग 20s में करते हैं कि वो लोग कोई भी फाइनेंशियल गोल सेट ही नहीं करते। मतलब आई नो कि लोग समझता नहीं उनको 20s की एज में कि उनका गोल क्या है, उनको क्या अचीव करना है, बट जो भी एक छोटा सा गोल जो आपको चाहिए जिंदगी में, चाहे वो गाड़ी लेना हो, घर लेना हो, या फिर कोई हॉबी फॉलो करना हो, या फिर कोई बिजनेस बड़ा करना हो अपना, कोई भी बिजनेस खड़ा करना हो, तो वो एक गोल पकड़ के चले एंड जितना भी उसका अमाउंट आपको लगता है कि फ्यूचर में लग सकता है उससे एटलीस्ट 10x जमा करके रखिए अपने पास, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी चेंज आता है आपके प्लान में तो एटलीस्ट जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने सेव किया या इन्वेस्ट किया है तो वो आपके पास रहे एक सेफ्टी के लिए। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं 20s में, जो आपको नहीं करनी चाहिए। सो सेविंग्स कीजिए, इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, बहुत ही जरूरी है आज के टाइम पे। इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही होगा आपको, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ता जा रहा है, बीच में कम हुआ था लेकिन अभी फिर से बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स जरूर कीजिए 20s से, स्टार्ट कर दीजिए, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग भी शुरू हो जाएगी 20s से ही एंड 20s से ही रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए लोगों को। लोगों को लगता है कि 20s अभी से 60 की उम्र की हम प्लानिंग करें, बट नहीं, जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है 20s से शुरू करने से वो बहुत बड़ा आता है। तो स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, आगे बढ़ते हैं एंड दोस्तों, तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं अपने 20s में वो ये है कि वो अपना इमरजेंसी फंड बिल्कुल बिल्ड करना शुरू नहीं करते। लोग सेविंग शुरू करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं, बट इमरजेंसी फंड नहीं बनाते, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपके किसी भी तरह के इमरजेंसीज में काम आ सकती है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, आपकी लॉस ऑफ इनकम हो, जॉब लॉस हो जाए, कुछ भी तरह की इमरजेंसी हो जाए, वो इमरजेंसी फंड आपके बहुत काम आने वाला है। तो वो बिल्ड आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए जो एटलीस्ट आपके पास 6 months का होना चाहिए। अब 6 months मतलब कितना, देखिए समझ लीजिए, आपकी सैलरी पर मंथ 20,000 rupees एंड उसमें से आपका खर्चा है 15,000 rupees, तो 15,000 × 6 इतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम तो नहीं ही होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा तो होना ही चाहिए, बट फर्स्ट इमरजेंसी फंड जरूर बिल्ड कीजिए। आगे बढ़ते हैं एंड दोस्तों, चौथी मिस्टेक जो लोग अपने 20s में करते हैं वो ये है कि वो अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड नहीं करते। अभी क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ये आपका क्रेडिट बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि समझ लीजिए, आपने 2 साल पहले किसी बैंक से लोन लिया था एंड वो लोन आपने टाइम पे नहीं भरा है, तो वो बैंक आपका क्रेडिट रिपोर्ट अच्छा नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा। एंड उसी जगह पे अगर आपने वो लोन टाइम पे भरा होता तो वो बैंक आपका क्रेडिट रिपोर्ट अच्छा बनाती है, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता। एंड अब ये क्रेडिट स्कोर अच्छा होने का फायदा क्या होता है, देखिए अगर आपको फ्यूचर में कभी लोन लेने की जरूरत पड़ी तो जो भी एंटिटी आपको लोन देगी वो सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगी एंड जितना भी अच्छा आपका स्कोर होगा चांसेस है कि आपको लोन भी मिल जाएगा एंड आपको हो सकता है कि इंटरेस्ट भी कम चार्ज करे वो बैंक या फिर जो भी एंटिटी जो आपको लोन दे रही है। एंड अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो चांसेस है आपको लोन नहीं मिलेगा या फिर आपको इंटरेस्ट बहुत चार्ज किया जाएगा। तो क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना बहुत ही जरूरी है, जो लोग 20s में शुरू नहीं करते तो जरूर शुरू कीजिए, मिस्टेक मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। एंड दोस्तों फिफ्थ एंड लास्ट मिस्टेक जो बहुत यंगस्टर्स करते हैं जो अपने 20s में हैं, वो ये है कि वो बहुत ज्यादा रिस्क ले लेंगे। यानी कि वो इसी बात से इंस्पायर होकर बैठे कि जितने अमीर लोग हुए इस दुनिया में वो उन्होंने कभी ना कभी रिस्क लिया है, वो तो सच बात है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो अमीर लोग हुए इस दुनिया में उन्होंने कैलकुलेट किया कि वो कितना रिस्क यानी कि कितना लॉस बेयर कर सकते हैं, कितना लॉस वो सहन कर सकते हैं, उस हिसाब से उन्होंने रिस्क लिया है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। समझ लीजिए आपकी सैलरी पर मंथ 20,000 रुपीज, आपने 20,000 रुपीज स्टॉक मार्केट में लगा दी। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास खर्चा करने के लिए कुछ भी एक पैसा भी नहीं बचा आपके पास। एंड अगर स्टॉक मार्केट में आपका लॉस हुआ, जो कि होना ही है, कभी ना कभी तो होता ही है, एंड पर मंथ तो होता ही रहता है, हर एक दिन हर एक सेकंड में होता है लॉस, तो वहाँ पे अगर आपको लॉस हुआ तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया। आप एक रुपये भी आपकी सैलरी की वैल्यू कम हुई तो वहाँ पे आपको बहुत दुख होगा। आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, आपके पास खर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा उस मंथ के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है एंड आपके पास खर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, बैकअप प्लान ही नहीं आपके पास कुछ भी, तो ये अनकैलकुलेटेड रिस्क हो गया। आइडियली आपको क्या करना चाहिए था कि आपको उस 20,000 रुपीज में से 5 to 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने चाहिए थे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, या फिर कोई भी ऐसे क्लास में जो कि रिस्की है, जहाँ पे लॉस हो सकता है। तो आपके पास क्या है, 10,000 रुपीज खर्चा करने के लिए भी बचा है एंड आप लॉस भी अच्छा खासा बेयर कर सकते हो। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया है तो आप 2,000 to 5,000 लॉस बेयर कर सकते हो अगर हुआ तो। एंड अगर आपने कैलकुलेट किया है तो आपके पास 10,000 रुपये खर्चा करने के लिए बचता है। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेट करके रिस्क लेना है, ऐसी बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। जो लोग बहुत ही एक्साइटमेंट में एंड जोश में कर देते हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, आपको बहुत पछतावा होगा बाद में। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऑफिशियल चैनल है इन्फिनिट फाइनेंशियल एकेडमी का। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।